हेलो फ्रेंड्स, आई एम सबा शेख फ्रॉम विजडम मास्टर। दोस्तों, आज की EVS क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन को लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों, ये टेट में हर बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं, यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं एग्ज़ाम में। आप लोग जानते ही हैं एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप टाइम को सेफ रखते हुए मैंने वन लाइनर क्वेश्चन को लिया है ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो दोस्तों, वालपराई जो है वो वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन जो है BC है और वसा में घुलनशील विटामिन AD, E, K है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो दोस्तों, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? दोस्तों, मेहंदी, इसमें भी कुछ ऑप्शन छूटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो दोस्तों, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, ये वियना में हुआ था। ठीक है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण वियना में हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दोस्तों, डायटम्स और डायनोफ्लेजिलेट्स में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन क्या है? ये दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं क्या कहलाते हैं? ये सहोपकारिता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों, भारत की जो पहली ट्रेन थी वो मुंबई से ठाणे तक चली थी। कब चली थी? ये 1953 में चली थी। ठीक है, मुंबई से ठाणे तक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई थिंक 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है टेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ली वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? तो जिप्सम जो है, ठीक है, ये अंतिम उत्पाद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों, कार्ल रीटर जो थे ये पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रेसर का संबंध किस क्रिया से है? तो दोस्तों, ग्रेसर का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो दोस्तों, ऊर्जा जो है ये एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो दोस्तों, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना कैसी होती है? जान लेते हैं, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? तो दोस्तों, सबसे ऊंचे पेड़ पर जो है वो चील घोंसला बनाता है। ठीक है, तो
होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। तो दोस्तों जान लेते हैं, उनका तना लंबा खोखला एवं हल्का होता है। ठीक है, आगे क्या, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? तो दोस्तों सबसे ऊंचे पेड़ पर जो है वो चील घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक अध्यापक आलू चावल ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेंगू रोग का वाहक है। तो दोस्तों एडीज मच्छर जो है वो डेंगू रोग का वाहक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? प्राबैंगनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, NCTE का उद्देश्य है। दोस्तों NCTE का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन होता है। ठीक है, NCTE का फुल फॉर्म पूछा क्या है, NCTE का उद्देश्य है? तो दोस्तों विद्यालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना ही NCTE का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, कौन प्रवाल भित्ति बनाते हैं जिस पर अनेक प्रजातियां निवास करती हैं? तो दोस्तों कोरल जो है जिन पर अनेक प्रजातियां निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा क्या है? तो दोस्तों वाष्पीकरण और अपवाह या उपसतह जल निकासी से पानी बचाना, ये जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा है। नेक्स्ट है, मृत जीवी जीवों को मृत जीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृत जीवों को खाते हैं ये। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे और आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आप नए क्लास में नए नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।